पुलवरम प्रोजेक्ट इंडिया का एक ऐसा मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट है जिसे साल 1941 में कंसेप्चुलाइज किया गया था। ये डैम आंध्र प्रदेश में बनने वाले इंडिया के उन कई सारे प्रोजेक्ट्स में से एक है जो दशकों से अपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। कभी पॉलिटिकल हर्डल, कभी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, कभी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और कभी प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्लैरिटी ना होना, इन सभी चीजों ने इस प्रोजेक्ट के रास्ते में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां खड़ी की है। और द बोल ऑफ राइस कहे जाने वाले इस एग्रीकल्चरल स्टेट के अंदर जहाँ 51.58% से ज्यादा इनकम एग्रीकल्चर के थ्रू जनरेट होता है, वहां पर एक मेजर बेनिफिट ले आ सकता था पोलावरम डैम प्रोजेक्ट। लेकिन किस तरीके से आंध्र प्रदेश को ये प्रोजेक्ट फ्रूटेबल साबित होने वाला था, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों इतने विवादों के बाद इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इतना इम्पोर्टेंस दे रही है और इस प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना नुकसान होगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की पोलावरम मंडल के राम्यापेट विलेज में बनाया जा रहा था। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी पर बनने वाला ये अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट है और ऑब्वियसली जैसे इसका नाम है, ये इरीगेशन के हिसाब से ही पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। 4,36,825 हेक्टेयर का ग्रॉस इरीगेशन पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट का था और साथ ही एक 960 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी यहाँ पर बनाया जाने वाला था। 611 विलेजेस में रहने वाले 28.5 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा होनी थी और टीएमसी पानी को कृष्णा नदी के बेसिन में बढ़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक 2454 मीटर की अर्थ कम रॉक फिल कंक्रीट डैम को बनाया जाने वाला था, जिसमें 1118.4 मीटर लंबा स्पिलवे का निर्माण किया जा रहा था, जिससे लगभग 50 लाख क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी होगी। इस डैम के दोनों साइड दो कैनाल होंगे। लेफ्ट कैनाल 181.99 किलोमीटर लंबा होने वाला था, जिसे कि 4 लाख एकड़ की कृषि योग्य भूमि को पानी मिलने वाला था। वही राइट कैनाल 171.8 किलोमीटर लंबा होने वाला था, जिससे 3.2 लाख एकर्स ऑफ इरिगेबल लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड किया जाने वाला था। और ये अगर हो जाता तो डायरेक्टली इस रीजन की इरिगेशन इंटेंसिटी 150% तक बढ़ जाती। इस वजह की वजह से गोदावरी के डेल्टा में 10.13 लाख एकर्स और कृष्णा के डेल्टा में 13 लाख एकर्स का स्टेबिलाईजेशन होता था। और आंध्र प्रदेश स्टेट इस प्रोजेक्ट के वजह से ओडिशा के साथ 5 टीएमसी और छत्तीसगढ़ के साथ में 1.5 टीएमसी का वाटर रिजर्व भी शेयर कर सकता था। अब ये बात हुई पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स की। अब जानते हैं क्या हर्डल्स इस प्रोजेक्ट को फेस करने पड़े जिसके वजह से ये इतने सारे दशकों से डिलेड है। दरअसल पोलावरम डैम प्रोजेक्ट एक कंसेप्चुअल प्रपोजल देश की आजादी के पहले ही साल 1941 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर दीवान बहादुर एल वेंकटकृष्णन अय्यर ने रखा था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 129 करोड़ था और उस वक्त इस डैम को बनाने के लिए टेक्निकल इश्यूज, कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज और हाई कॉस्ट के कारण इसे आगे बढ़ाया नहीं गया। फिर कई दशकों बाद साल 1980 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तंगुतरी अंजिया ने इस प्रेस्टिजियस पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को ले किया। फिर इसके कई साल बाद साल 2004 में वाइस राजशेखर रेड्डी ने 8,261 करोड़ के एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया और राइट और लेफ्ट कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिशियल मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सेंट्रल एजेंसी से एनवायरमेंटल क्लीयरेंस 2005 में मिली, लेकिन इस क्लीयरेंस के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स को फेस करना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इस प्रोजेक्ट से सबमर्ज होने वाले एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट 276 विलेजेस और 44,574 फैमिलीज के डिस्प्लेसमेंट को लेकर इश्यूज उठाए। यहाँ पर जो 50% पॉपुलेशन थी वो ट्राइबल थी, यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी डिस्प्लेस होने वाले थे, कोल डिपॉजिट सबमर्ज होने वाले थे और इन सारी चीजों के साथ साथ पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सबमर्ज होने वाली थी और इन रीजन्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को विरोध का सामना करना पड़ा और इन कारणों की वजह से कई सालों तक प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। फिर साल 2014 में एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद में इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नेशनल प्रोजेक्ट का भी दर्जा मिला और तब जाकर इसे कंस्ट्रक्शन को गंभीरता से लिया गया। जनवरी 7, 2017 को पोलावरम प्रोजेक्ट ने 24 आवर्स के अंदर 32,100 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट डालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया।
2018 में पोलावरम डैम के फर्स्ट क्रैश गेट को सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा अनवील किया गया और फिलहाल ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अंदर भी काफी तेज से काम कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हुए इतने सारे डिलेज की वजह से इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2005 का जो एस्टिमेशन था इस प्रोजेक्ट के लिए वो था 10,152 करोड़ रुपीज, लेकिन 2013-14 तक ये कॉस्ट बढ़कर 29,027 करोड़ तक पहुंच गया है, इनिशियल एस्टिमेट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर ये बात रुकी नहीं, 17-18 के अंदर जो एक नया एस्टिमेशन लगाया गया वहां पर इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़कर 47,724 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया है, और अगर और कोई डिले होता है तो ये इजीली 50,000 करोड़ का मार्क भी पार कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि इसका कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है तो इस प्रोजेक्ट को कुछ फेजेस के अंदर ही रोक दिया गया है और पूरी फंडिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर के जो कई सारे दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं वो आज के करंट प्लानिंग के हिसाब से अधूरे रह जाएंगे और पार्ट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा एटलीस्ट अपने इनिशियल फेज के अंदर। एनजीटी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने पोलावरम मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट और गोदावरी रिवर के ऊपर बने हुए इससे जुड़े हुए 3 अन्य प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से पर्यावरण रूल्स का उल्लंघन हो रहा है इसे कहते हुए आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के ऊपर 243 करोड़ की पेनाल्टी भी लगाई थी, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी हमें डिलेज देखने मिले। देश के कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ही पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कई सारे मिस्ट्रीज से उलझा हुआ है, कई सारी दिक्कतें यहाँ पर आई है और फ्यूचर में भी ये दिक्कतें बढ़ती रहेगी, जो अपने आप एक नया टर्न ले सकती है ये बात हमें अभी से समझ में आ रही है। ऐसी ही सिमिलर चीजों को जानने के लिए आप इंडिया अनकवर्ड इस ऑडियो बुक को कुकू एफएम पर सुन सकते हो, जहां पर आपको देश में कई सारे सालों में जो घुड़ी हुई ऐसी घटनाएं हैं वो डिटेल में सुनने के लिए मिलेगी। कुकू एफएम एक प्रीमियम ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर कई भाषाओं में, कई जॉनर्स में और आपकी पसंद के हिसाब से आप चाहे वैसा ऑडियो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, जिसके वजह से आपको आपके फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। काफी टाइम मैं भी कुकू एफएम पर स्पेंड करता हूं, और अभी आप में से जो लोग कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो उन्हें PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए 50% का प्राइस बेनिफिट मिलेगा इसके एनुअल प्राइस पर, लेकिन ये सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड होगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करें और ये करते समय PT50 कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। तो ये हुए प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज। अब बात करते हैं इससे होने वाले बेनिफिट्स की। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट आंध्र प्रदेश के इरिगेशन सेक्टर को मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 4,36,825 हेक्टेयर्स के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पर इसकी जैसे सिंचाई होगी, इन्हें पानी मिल जाएगा और कई सारे ड्राउट प्रोन एरियाज को भी इसका जैसे फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा पावर जनरेशन के अंदर। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट तो है ही, जो मॉनसून में जमा हुए पानी के जरिए 960 मेगावाट का सीजनल पावर और 80 मेगावाट का फर्म पावर भी जनरेट कर सकता है। थर्ड जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा के अपलैंड एरियाज जहां पर ये लोग रहते हैं कई बार ड्रॉट प्रोन रीजन में, उन्हें समर के दौरान पानी का सप्लाई मिलेगा और पानी की समस्या मिट जाएगी। इसके साथ साथ स्टेट में इंक्रीज हो रही इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, स्टील प्लांट्स, रिफाइनरीज, इनको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वाटर भी। फोर्थ जो बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से वो है गोदावरी में आने वाली फ्लड्स का कम होना। जो 3000 TMC रिवर वाटर हर साल ओशन में चला जाता है वो इस प्रोजेक्ट के जरिए रोका जा सकेगा। इसकी वजह से लोलैंड्स में फ्लड नहीं होगी, गोदावरी का पानी जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल हो पाएगा और इसके वजह से स्टेट के अंदर ईयरली जो लॉसेस होते हैं फ्लड्स की वजह से वो काफी कम हो जाएंगे। फिफ्थ जो बेनिफिट है वो होगा टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत बड़ा रिजर्वर यहाँ पे बनेगा जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश हो सकती है, और इसके अलावा इतने बड़े रिजर्वायर और डीप वाटर की वजह से जो कोल इंडस्ट्री है, जो ओर्स की इंडस्ट्री है, फूड ग्रेन्स की इंडस्ट्री है, इन्हें एक चीप और क्विक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड होगा वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए, और इसकी वजह से नेविगेशन इस रीजन में काफी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे वीडियो में मैंने पहले बताया, इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो है ही, लेकिन साथ साथ कई लोगों को यहाँ पर रिहैबिलिटेट किया जाएगा जहां पर कई सारे ट्राइबल्स भी है। इस वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट स्टेट की वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लार्ज एरियाज को सबमर्ज किया जाने वाला है और उसका खतरा है, जिसकी वजह से उन एरिया के लोगों को भी रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। साथ ही इन एरियाज में एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, जो स्पेशली स्मॉल स्केल पर चलती है, और उनको इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के ना सिर्फ इरीगेशन सेक्टर को बूस्ट करेगा लेकिन फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट के लिए भी कई सारे रास्ते खोलेगा। लेकिन साथ ही जो कंसर्न्स इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
सितंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट में जो क्रूशियल गैप 3 कंक्रीट वर्क था वो कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का एक की माइलस्टोन कंप्लीट हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट को 2022 में पूरा किया जाएगा ऐसा कहा गया है, यानी इसी साल, लेकिन अभी हम देख ही सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कंप्लीशन देखने मिलता है या फिर कोई और एक डिले। आपको फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप कूको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हो, जहां पर PT50 कोड को इस्तेमाल करने पर पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट के साथ में ये सब्सक्रिप्शन परचेज करने का मौका मिलेगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।